मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है। वाह वाह, धनेश नोज साहब ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। विदेश जाने के लिए अब वीजा नहीं, इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए काफी है। रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए। ईंधन के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग पानी के बजाय डीजल यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए, और पेट्रोल यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए। अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र। मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे चुनाव के बीच प्रियंका गांधी का ये बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें वो गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए नजर आ रही हैं। राहुल गांधी को पप्पू साबित करने की कोशिश करने वाले लोगों को करारा तमाचा मार रही हैं। प्रियंका गांधी ने खुले शब्दों में ये कह दिया कि मैं जानती हूं कि इस देश की मीडिया को बोलने के लिए लिखकर ऊपर से दिया जाता है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने गोदी मीडिया पर निशाना साधते हुए एक ऐसा वीडियो कैंपेन शुरू किया है जिसने सोशल मीडिया पर धमाल मचा रखा है। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। प्रियंका गांधी हो या फिर राहुल गांधी, कांग्रेस का प्रवक्ता हो या फिर पूरी कांग्रेस, सबने ये मान और जान लिया है कि नरेंद्र मोदी को हराना है, उन्हें सत्ता से बेदखल करना है, तो भाजपा के साथ उनके गोद में बैठी गोदी मीडिया को आईना दिखाना होगा। मीडिया को उसकी असली औकात दिखानी और बतानी होगी। उसे ये बताना होगा कि अब तक जो कुछ भी मीडिया बोलती है उसमें सच्चाई नहीं है, बल्कि मीडिया सत्ता के टुकड़ों पर पलती है, उसके गोद में बैठी है। और यही वजह है कि जो कुछ भी उसे कहने के लिए कहा जाता है, जो एजेंडा चलाने के लिए दिया जाता है, जिसकी इमेज खराब करने की सुपारी दी जाती है, ये मीडिया उसी में लग जाती है। यही वजह है कि आम लोगों के बीच राहुल गांधी को पप्पू साबित करने में इस मीडिया का बहुत बड़ा रोल रहा है। और अब प्रियंका गांधी खुलकर मीडिया द्वारा राहुल गांधी को पप्पू साबित करने पर मीडिया को आईना दिखा रही हैं। उसे उसकी हैसियत बताते हुए प्रियंका गांधी कह रही हैं कि पत्रकारों की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अपनी तरफ से कुछ बोल सके, बल्कि ऊपर से जो लिख कर दिया जाता है वही बातें ये लोग बोलते हैं। अरे कायर है, कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, लगा दो केस मुझ पर, लगा दो केस मुझ पर, जेल ले जाओ मुझे भी, लेकिन सच्चाई ये है कि इस देश का प्रधानमंत्री कायर है। आप उसको पप्पू बनाते हैं। पूरे देश भर में आपकी सहायता के साथ मेरे मीडिया के दोस्तों, डिग्री आपने देखी नहीं, सच्चाई आपने देखा नहीं, उनको पप्पू बना दिया। मैं जानती हूं कि आपको लाइन भेजी जाती है कि आज आपको ये कहना है, आज आपको ये लिखना है। प्रियंका गांधी के इस हमले के बाद कांग्रेस ने एक वीडियो कैंपेन के जरिए गोदी मीडिया को नंगा करने की कोशिश की है। कांग्रेस उस वीडियो कैंपेन के जरिए ये संदेश देना चाहती है कि जब तक मीडिया सत्ता की गोद में बैठी रहेगी, तब तक ना संविधान बचेगा ना लोकतंत्र बचेगा। पहले आप कांग्रेस द्वारा जारी वीडियो कैंपेन को देखिए, जिसमें शानदार तरीके से गोद में बैठे पत्रकार को दिखाया गया है। धनेश नोज साहब ने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। विदेश जाने के लिए अब वीजा नहीं, इंडियन पासपोर्ट दिखा दीजिए काफी है। रुपया इतना ऊपर चला गया था कि रॉकेट भेजना पड़ा उसे थोड़ा नीचे लाने के लिए। ईंधन के दाम इतने कम हो गए हैं कि लोग पानी के बजाय डीजल यूज करते हैं फर्श साफ करने के लिए, और पेट्रोल यूज करते हैं कपड़े साफ करने के लिए। दूध सब्जी तेल के दाम इतने कम हो गए कि गुल्लक के चिल्लर से आप पूरे साल का राशन भर सकते हो। आप कहेंगे कुछ भी है, कुछ भी, लेकिन ये सच है। कट। अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र। हाथ बदलेगा हालात। मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे इस वीडियो को राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, झूठ की फैक्ट्री बन चुका मोदी मीडिया देश को भटकाने में लगा हुआ है, पर भारत भटकेगा नहीं। तो वहीं संजय सिंह ने इस वीडियो कैंपेन पर कहा कि कांग्रेस के इस प्रचार का अंतिम सीन बहुत दमदार है, जब गोदी मीडिया कहता है मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो, मुझे बख्शीश दो,
और फिर दोनों ने लॉलीपॉप निकालकर पकड़ा दी। तो वहीं कांग्रेस के ऑफिशियल पेज से लिखा गया, अगर मीडिया गोदी में बैठी रही तो ना संविधान रहेगा ना लोकतंत्र। तो एक तरफ प्रियंका गांधी और दूसरी तरफ कांग्रेस के वीडियो कैंपेन के जरिए गोदी मीडिया पर साधे जा रहे निशाने पर आप क्या सोच रहे हैं हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर करें और अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लें।